हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बी योर सेल्फ। और मैं हूँ ज़ेबा। आज एक और होने वाली है इंस्पायरिंग मेकअप वीडियो। एक है, उनका नाम साइमा है, उनके चैनल का नाम है शाइ स्टाइल्स। वो मेरी फेवरेट यूट्यूबर है, मुझे वो बहुत पसंद है और ये लुक उन्होंने क्रिएट किया था। सो मैं उनसे इंस्पायर होकर ये लुक कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो बिल्कुल फ्री है। मेरे चैनल के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा है, जिससे आपको उसको क्लिक करना है। वो बिल्कुल फ्री है। आपको एक छोटी सी बेल दिख रही है, आपको उसको हिट करना है। उससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उससे फटाफट से नोटिफाई हो जाएंगी। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो फर्स्ट वी नीड टू मॉइस्चराइज माई स्किन, और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोजी रेडियंट ग्लो फेस सीरम। सो इसको अच्छे से अपने फेस पे ऑल ओवर अच्छे से अप्लाई करेंगे, देन छोटू सी मसाज करेंगे। को इंस्टेंट ग्लो देता है एंड बिना किसी चिपचिपे चिपचिप करता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छे से बहुत लाइटली आपने जस्ट अच्छे से अपने फेस को मसाज देनी है। आप कोई भी सीरम लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, अगर उसको अप्लाई करने के बाद आप उसको अच्छे से डैब डैब कर लें, ताकि जो है ऑयल है वो आपके फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए उसको ऐसे रहने दें। नेक्स्ट हम करेंगे अपने लिप को मॉइस्चराइज, और मैं यहाँ कर रही हूँ बायोटेक का लिप बाम। हल्का सा टिंट भी है इसमें। नेक्स्ट इज प्राइमर, और प्राइमर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर। सो सबसे पहले अपने आईज का मेकअप कर लेंगे, और उसके लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैक का कंसीलर। इसमें आपको पफ और कंसीलर दोनों मिलते हैं। सो मैं इसको अच्छे से अपनी आईज पे लगा लूँगी। सो हम इसका पफ यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपने ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और मैं अपने ब्लू हेवन के पाउडर से अपनी आईज को सेट कर लूंगी। उनके आईज पे एक पिंकिश सा लुक है, उन्होंने पिंक कलर का कुछ आई शेडो लगाया है। सो सबसे पहले मैं अपनी अपने आईज को ट्रांजिशन शेड दूंगी, और मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ लाइट ब्राउन शेड, बहुत लाइट है। और मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूड पैलेट हुडा ब्यूटी का, और मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी अपने लिड पे। और मैं इसमें से एक पिंक ऑरेंज शेड है ये वाला, मैं इसको लेके अपने लिड पे लगा लूंगी। सेम विद अदर आई। इसको अच्छे से आपने ब्लेंड करना है, ताकि वो एक सीमलेसली ब्लेंड हो जाए, कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। ये बहुत अच्छा पैलेट है गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत पिगमेंटेड है। सो आई शेडो हमारा डन हो गया। नेक्स्ट उन्होंने लगाया है ग्रीन कलर का लाइनर। सो हमारे पास, मेरे पास लिक्विड लाइनर तो नहीं, बट ये पेंसिल है, और ये है NYBA की लॉन्ग आई लैंड लिक्विड, नॉट लिक्विड, डीप इंस्टेंट कॉल आई पेंसिल। सो ये ग्रीन कलर है, हमने इससे एक विंग लाइनर ड्रॉ करना है। सो लाइनर हमारा लग गया है, यू कैन सी दैट। अब हमने क्या करना है, हमने लगानी है फॉल्सीज। सो पहले मैं मस्कारा लगाऊंगी, और मस्कारे के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा। सो बहुत अच्छा मस्कारा है, आप देख सकते हैं इसके फ्रंट में ऐसे कर्व हुआ है, सो आपकी लैशेस को बहुत अच्छा कर्ल करता है। नेक्स्ट हमने लगाना है अपनी वाटर लाइन में काजल, और मैं अपने वाटर लाइन में काजल लगा लूंगी। लाइक दिस, और हमने अपने ग्रीन काजल को वापस से नीचे लगाना है।
सो आईज हो गई हमारी ऑलमोस्ट डन. मैंने हल्का सा लाइनर लगाया टू हाइड माई फॉल्सेज. सो नेक्स्ट हमें यूज़ करना है फाउंडेशन, और मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ फिट मी का फाउंडेशन. माई शेड इज़ 105. हम इसको अच्छे लिक्विड है तो आप हमेशा कभी भी यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से शेक करने के बाद ही यूज़ करें. नेक्स्ट इज कंसीलर, और कंसीलर के लिए मैं अपना सेम अपना मैक का कंसीलर यूज़ करूँगी. मैं अपने ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट इज आईब्रो, और पहले हम आईब्रो को अच्छे से कॉम कर लेंगे. और अपने आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैक की आईब्रो पाउडर इन दिस शेड 02. सो मैक फ्लैट ब्रश से अपनी ब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी. उनकी आईब्रोज बहुत डार्क है, सो मैंने हल्की सी डार्क और थोड़ी सी मोटी करी है अपनी ब्रोज को. सो नेक्स्ट इज ब्लश, और मैं ये ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ अपना शुगर का ब्लश इन दिस शेड 01. उनका फेस थोड़ा शार्प है, मेरा इतना नहीं है, सो मुझे अब थोड़ा सा अपने फेस को कॉन्टोर करना पड़ेगा. और मैं ये उसके लिए यूज़ कर रही हूँ मैक का कॉन्टोर एंड हाइलाइटिंग पाउडर, और इसमें से मैं हल्का एक ब्राउन कलर का शेड है मैं उसको लेके अपने फेस को हल्का सा कॉन्टोर करूँगी. नेक्स्ट इज हाईलाइटर, और हाईलाइट के मैं यूज़ कर रही हूँ अपना शिवाना का हाईलाइटर शिमर ब्रिक इन दिस शेड 02. बहुत अच्छा हाईलाइटर है, आपके फेस को इंस्टेंट इतना अच्छा ग्लो देता है. हाइलाइटर को बड़ा पसंद है, उसे ब्रश से मैं अपनी आईब्रोज को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी. नेक्स्ट एंड लास्ट इज लिपस्टिक, और लिपस्टिक उन्होंने एक डार्क मरून कलर की लिपस्टिक लगाई है. सो मेरे पास वैसा कोई शेड नहीं, बट मेरे पास एक नायका की लिपस्टिक है इन दिस शेड 30M, और ये मेबलिन की है वाइन कलर की. तो आई थिंक मैं इन दोनों को अगर मिक्स करती हूँ तो वैसा सा कुछ शेड बन सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. मैं इसके ऊपर हल्का सा अपना ये मेबलिन कलर शो इन दिस शेड 210 मैं इसको हल्का सा लगाती हूँ. अभी काइंड ऑफ उनके जैसा शेड हो गया है. सो गाइज, ये थी आज की मेरी वीडियो. मैचिंग ज्वेलरी नहीं मिली, नहीं थी मेरे पास, पर मैचिंग दुपट्टा था, मैचिंग ड्रेस थी, बाल थे, सो वो हो गया. बाकी मैचिंग ज्वेलरी मेरे को नहीं मिली, बट आई थिंक ये भी अच्छा ही लग रहा है. सो ये थी आज की मेरी वीडियो, और डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू.